हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम केला का सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये सब्जी बिल्कुल मछली के जैसा बनता है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बनाना बहुत ही आसान है। तो ये हमारा कच्चा केला है जिसे हमने छील करके और इसे साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए, हमने केला का छोटा छोटा भाग नहीं किया है, बस लंबा सा केला उसका हमने ये दो टुकड़ा किया है। ये देखिए, ये हमारा केला का साइज़ था, इसे हमने छील करके दो टुकड़ा में काट लिया है। तो ये हमारा केला हो गया। इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक इसमें हम बस अभी थोड़ा डालेंगे और इसलिए कि हमें ग्रेवी में भी नमक चाहिए। तो हम नमक ये छोटा चम्मच से हाफ चम्मच हमने नमक डाला और ये हमने कुछ मसाला थोड़ा सा पीस करके रखा है। तो ये मसाले में हमने सरसों, ब्लैक पेपर, जीरा, मिर्ची और हल्दी, लहसुन और थोड़ा सा अदरक हमने पीसा था। तो ये हमारा मसाला हो गया। तो इसी मसाले का हम ग्रेवी भी तैयार करेंगे। तो मसाला हमारा थोड़ा ज़्यादा हम पीस करके रेडी करेंगे। तो हम उसी मसाले में से एक चम्मच हमने इसमें डाल दिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया। सभी केले के ऊपर हमारा मसाला जो है अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छे से हमने मसाला को मिक्स किया है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई को हम गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल दिए। थोड़ा सा मतलब हमारा बड़ा चम्मच से लगभग डेढ़ चम्मच तेल हमने डाल दिया है। अब हम तेल को गरम होने देते हैं। इसके बाद जो हमने केला में जो हमने मसाला मिक्स करके रखा है उसे हम इसमें तलेंगे। तो आप इसमें तेल और मसाला अपने हिसाब से क्वांटिटी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा तेल जो है वो गरम हो गया है। तो हम इसमें अब इसे डाल देंगे और इसे थोड़ा अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में उतना ही डालेंगे जितना हमारा आराम से आ जाए। तो ये हमने चार एक बार में डाल दिया है। ये देखिए, अब इसे अच्छे से उलट पलट करके फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा अब इसे पलट देंगे। ये देखिए, इसे हम अच्छे से देखिए इस तरह से पलट देंगे और इसे उलट पलट करके दोनों ही साइड से सुनहरा तल लेंगे। इसे हमने फिर से पलट करके और इसे हम छोड़ देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे सुनहरा होने तक तल लिया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, इस तरह से साइड में कर लेंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में वापस चला जाए। तो इसी तरह से हम सभी को तल लेंगे। तो जितना भी हमारे पास केला रहेगा इसी तरह से हम सभी को तल के निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम ही रहेगा, हम हाई पर नहीं तलेंगे, नहीं तो हमारा जो केला है वो जल जाएगा और कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए, हमारा जो केला है वो अच्छे से सुनहरा भी हो गया और ये अच्छे से पक भी जा रहा है। तो इसी तरह से हम सभी को निकालेंगे। तो हमने सभी केला को इस तरह से निकाल लिया है फ्राई करके। तो अब हम सेम ही तेल में, वही तेल है, हमने तेल को बदली नहीं किया है और इसी तेल में हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो ये हमारे पास आधा जीरा है, आधा चम्मच। तो ये हम इसमें मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसमें दो, ये हमारी लाल मिर्च है इसे भी हम डाल देंगे, और ये दो तेज़पत्ता। ये हमारे खड़े मसाले हो गए। बस थोड़ा सा इसे हम कुछ सेकंड इस तरह से चला लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास प्याज है, छोटा साइज का एक प्याज था जिसे हमने बहुत ही बारीक काटा है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, भुनेंगे बहुत ही अच्छे से। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हमने जो मसाला तैयार करके रखा था, सरसों, ब्लैक पेपर, जीरा और लहसुन, अदरक और लाल मिर्च, ये हमने पीस करके रखा था। तो ये मसाला जो है आप अपने जितना आपको ग्रेवी चाहिएगा उस हिसाब से इसमें आप मिक्स कर लीजिएगा। तो हमारा केला थोड़ा सा है तो हम मसाला भी बस थोड़ा ही डालेंगे, लगभग दो से तीन चम्मच। तो इसमें हमने मसाला ऐड कर दिया और आप ग्रेवी देख लीजिएगा कि आपको ग्रेवी कितना चाहिए होगा उस हिसाब से आप इसमें मसाला ऐड कर लीजिएगा। तो हमें मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है, हम इसमें बस एक चम्मच और ये मसाला डाल देंगे। बस ये हमारा हो गया। अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे, बहुत ही अच्छे से। तो गाइज़, ये हमारा मसाला भून चुका है। उसके बाद हम इसमें, ये हमारा दो टमाटर है जिसे हमने घिस लिया है और उसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे, और टमाटर डालने के बाद हम इसमें तुरंत नमक ऐड करेंगे।
तो नमक हमने केला में भी ऐड किया था और इसके बाद हम इसमें बस थोड़ा सा नमक डालेंगे, ताकि हमारा अगर ज़्यादा हम नमक डालेंगे गैस तो हमारा सब्ज़ी में जो नमक है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसे आप खा नहीं पाइएगा। तो ये हमारा नमक हमने डाल दिया और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम ये छोटा चम्मच से एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो बिल्कुल आप हटा सकते हैं, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, बस इसे हम थोड़ा सा कलर के लिए डाल रहे हैं। तो गाइज इन सभी को हम अच्छे से भूनेंगे, सभी मसालों को जब तक हम अच्छे से भूनेंगे नहीं तो हमारा टेस्ट सब्जी में नहीं आएगा। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो गाइज ये हमारा मसाला भून चुका है, देखिए साइड से हमारा जो तेल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी उतना ही डालिएगा गाइज जितना आपको ग्रेवी चाहिए होगा। तो हम बस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, तो लगभग छोटा गिलास से एक गिलास हम पानी ऐड करेंगे। तो ये हमने एक गिलास पानी डाल दिया बस। अब अभी हमारा ग्रेवी हम इतना ही डालेंगे, तो इसे हम ढक देंगे, इसको इसमें हम अच्छा सा उबाल आने देंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो गाइज इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, हमारा मसाला है वो पक भी गया है। तो ये जो हमने केला को फ्राई करके रखा था हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सभी को डाल देंगे और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे हम बस 2 मिनट के लिए सभी मसालों के साथ केला को पकने देंगे। तो बस इसे हम अब ढक देंगे। तो गाइज ये हमारा सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा सब्जी बना है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब इसमें हम ये धनिया की पत्ती डाल करके और इसे इसका जो फ्लेम है वो हम ऑफ़ कर देंगे। तो ये हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और ये देखिए हमारा सब्जी, इसका जो ग्रेवी है वो भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ना थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है वो और हल्का गाढ़ा होगा, तो इसीलिए हम इसे अभी ही बंद करेंगे। तो गाइस ये सब्जी बहुत ही अच्छा लाजवाब बन के रेडी हुआ है, बहुत ही इसका सुंदर सा कलर आ रहा है। तो गाइस अगर सावन में जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जिनको मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो इस सब्जी को बना करके खाइए, आपको मछली का कमी महसूस कभी नहीं होगा। ये इतना टेस्टी और लाजवाब सब्जी होता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है, जैसे आप मछली में जो प्रोसेस करते हैं बस वही इसमें करना है, लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्जी होता है। थैंक यू।